नमस्कार डीडी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट और लेकर हाजिर हूं हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो डॉक्टर हेलो डॉक्टर में हर हफ्ते हम आपको अलग विषय के साथ लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं अलग अलग विषय और अलग अलग विशेषज्ञों के साथ हम इस पर चर्चा करते हैं और इस परिचर्चा में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर चारू बहुगड़ा जी जो कि कॉर्नेशन अस्पताल में सब कार्यरत हैं दंत चिकित्सक हैं मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और जिस तरीके से चारू जी का परिचय हमने दिया तो आप समझ गए होंगे कि आज का विषय भी हमारा दांतों से जुड़ा हुआ है और दांतों में होने वाली जो समस्याएं हैं वो सबसे जटिल हैं और इस वक्त अगर देखे तो बच्चा हो बूढ़ा हो या जवान हर कोई दांतों की समस्याओं से जूझ रहा है तो मैम पहला सवाल तो मेरा यही है आखिर कारण क्या है इसके पीछे कि जो दांत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं दांत से जुड़ी हुई समस्याएं सबसे पहले तो ये है कि दांत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम तब पता चलती है जब वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी होती है दांत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जब इंसान के दर्द होता है तो उससे पहले वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है एक रूटीन चेकअप जो होता है वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पर तो इस वजह से होती है दूसरी चीज़ है कि आजकल खान पान जिस तरह का हो गया है बच्चों में आपका कह लीजिए टॉफ़ी चॉकलेट फास्ट फूड का कल्चर बहुत आ गया है रेडीमेड फूड का कल्चर है जूसेस का कल्चर है तो इसकी वजह से ज़्यादा जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ज़्यादा कह सकते हैं कि दांतों में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कुल मिलाकर नियमित जो भोजन ना होना या फिर संतुलित भोजन ना होना सबसे बड़ा कारण है जी ईटिंग हैबिट्स का है ईटिंग हैबिट्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एक तो जैसे होता है शुरुआत से अगर बात करें जैसे बच्चा जब छोटा होता है पैदा होता है उस समय वो बॉटल फीड पे आ जाता है बहुत जल्दी तो बॉटल फीडिंग से क्या होता है कि हमको इनिशियली जो जब बच्चे के दांत आने लगते हैं उस समय बॉटल फीडिंग अगर कराते हैं तो मुँह में दूध रात में जैसे दूध मुँह में लेके बच्चा सो गया तो उससे कीड़े लग जाते हैं उसके दांतों में तो वो जो होता है वो ऐसे ही दूध मीठा दूध लेके मुंह में सो गया तो रात में फिर वो कुछ हलचल तो होती नहीं है तो उस समय ये सबसे ज़्यादा काम होता है कीड़े वाला जो काम होता है कि असल दांतों में कीड़ा नहीं होता है पर क्या होता है कि जब उनको मुंह में इतने सारे कीटाणु होते हैं पहले से उन कीटाणुओं को कहीं पे खाना मिलता है वो वहाँ पे बैठ जाते हैं वो उस जगह पे बैठ गए मूवमेंट कुछ नहीं है मुंह में जैसे हम जब उठे होते हैं जब इंसान दिन में होता है तो वो बात करता होता है कुछ ना कुछ मतलब उसकी हलचल चल रही होती है लेकिन रात में बच्चा जैसे सो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कीटाणु उस जगह पे उस खाने पे बैठते हैं तो जैसे दांत के ऊपर अगर उसको खाना मिल गया उसके ऊपर बैठे वहाँ से उनका वो एक एसिड रिलीज़ करते हैं जिससे कि वो दांत को गलाना शुरू कर देते हैं तो वही एक्चुअली कीड़ा लगना बोलते हैं उसको ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है कीड़ा तो ऑलरेडी सारे इन्वायरमेंट में या हमारे ओरल कैविटी में होते ही हैं तो वो तब मतलब वो एक्शन तभी लेते हैं जब उनको खाना मिलता है तो जैसे हम बच्चों का खाना एक वहाँ से शुरुआत हुई फिर बच्चों की ईटिंग हैबिट्स हैं जैसे हम लोग बोलते हैं आजकल जूसेस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई जूसेस पे ला दो बच्चों को ज़्यादा जल्दी एनर्जी मिल जाएगी एनर्जी ड्रिंक्स और ये सब उससे अच्छा है कि अगर बच्चा खा सकता है चबा सकता है तो उसको फ्रेश फ्रूट दीजिए आप खाने के लिए ठीक है और इनिशियली uh, भी जैसे हम उसको शुरुआत से ही उस तरह का मैश करके खाना खिलाते हैं जब तक बच्चे के दांत नहीं है तब तक तो ठीक है एक साल तक तो आपको उसी तरह का खाना खिलाना पड़ेगा बच्चों को लेकिन जब वो खाना चबाने वाली स्थिति में हो जाता है जब उसके दांत निकलने लगते हैं आठ महीने छः महीने से शुरुआत हो जाती है दांत निकलने लगते हैं उसके बाद उसको चबाने वाली हैबिट दीजिए जो आप खाना खुद से खाते हैं छोटा छोटा उसको टुकड़ा करके उस तरह से चबाने की हैबिट दीजिए आप उसको अगर डायरेक्ट खिलाएंगे पीस करके खाना खिला लेंगे कुछ लोग आजकल ऐसे करते हैं कि सारी चीज़ें मिला दी उसको ग्राइंड करके खिला दिया तो उसमें बच्चे की जॉ की कोई एक्सरसाइज ही नहीं हुई है तो जॉ की जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी उससे तो उसकी वजह से क्या होगा और भी आगे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं जैसे कि ग्रोथ नहीं होती है बच्चे की जॉ की तो उसके दांत जो होते हैं वो दांत तो उतने ही आने हैं जगह कम हो जाती है दांतों के लिए फिर वो टेढ़े मेढ़े दांत आने लगते हैं तो सही तो, तरीके से से पूर्ण रूप विकसित, भी नहीं, विकसित भी, भी नहीं हो पाता है बच्चों के जैसे ईटिंग हैबिट्स हैं आजकल खाने के बीच में जैसे चाउमीन खा लेते हैं पिज्जा खा लेते हैं उस तरह की रेडीमेड फूड आइटम्स जो हैं तो उस उनसे क्या होता है कि आपने सुबह उनको ब्रश कराया फिर बीच में नाश्ता करके बाद फिर उन्होंने ये सब खा लिया टॉफ़ी खा ली चॉकलेट खा लिया जो चिपकने वाली चीज़ें हैं बेसिकली तो वो चिपकने वाली चीज़ें फिर वही हो गया कि कीटाणुओं को वहाँ पर खाना मिल जाता है फिर उनका एक्शन शुरू हो जाता है तो इस तरह से हमको क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा उनकी और ये इन बिटवीन मील्स जो खाने के बीच में जो ये आदतें हैं इनसे सुधारना पड़ेगा उसके उससे अच्छा उनको फ्रेश फ्रूट्स दीजिए खाने के लिए साबुत फल दीजिए जिससे उनकी एक्सरसाइज भी हो मुंह चलना भी चाहिए मुँह चलना भी चाहिए और साथ भी साथ मुंह का ख्याल भी रखें क्लीनिंग भी होती रहे।, रहे। होती रहे ऐसा फूड दे जिससे क्लीनिंग हो तो ये नेचुरल क्लीनिंग फूड्स हैं जैसे आपके फ्रेश फ्रूट्स हो गए ये आपके नेचुरल क्लीनिंग फूड्स हैं तो वो अगर आप देंगे तो फिर वो ज्यादा हेल्प करेगा कैविटी को लेके बहुत से सवाल उठे हैं और अमूमन अगर देखें तो सबसे ज्यादा दांत से जुड़ी हुई चीजें कैविटी से जुड़ी हुई हैं आखिर ये कैविटी होती क्या है और इसका निवारण करने का कार्य क्या कैविटी एक्चुअली कैविटी मने जिसमें एक छेद हो जाना है जैसे दांत में छेद हो जाने को कैविटी बोलते हैं क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया पहले दांत में मुंह में तो हमारे कीड़े हर समय होते हैं एक नॉर्मल एक उसमें एटमोसफेयर में होते हैं जैसे ऐसे मुंह के अंदर हमारे जो लार होती है उसमें होते हैं ठीक है अब वो तब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाते आपको जब तक कि उनको कुछ ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर वो बैठें और उनको खाना मिले वो उसको खाएं और उसके बाद एसिड प्रोड्यूस करें क्या होता है कि वो कीड़े जैसे दांत में आपने कुछ खाना खाया दांत में चिपका रह गया वो वहाँ पे दांत में गए कीड़े वहाँ पे उन्होंने एक एसिड प्रोड्यूस किया जब वो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उनका एक एसिड प्रोड्यूस होता है वो एसिड जब उस दांत की सतह के ऊपर गिरता है वो एसिड दांत को गलाना शुरू करता है तो जैसे ही वो दांत की लेयर गलती है तो वो छेद उसमें छेद होने लगता है उसको कैविटी बोला जाता है फिर फर्दर उसमें क्या होता है कि खाना भरता है अब एक बार छेद हो गया तो खाने में छेद में तो खाना जाएगा ही जाएगा फिर वो फर्दर प्रोग्रेस करती रहेगी तो इस तरह से वो चीज़ वो बढ़ती जाती बढ़ती है बढ़ती चली जाती है और फिर ये समस्याएं बढ़ती हैं तो जो आपने शुरुआत में बातें कही उससे तो यही लगता है कि बच्चे अगर जन्म से ही बच्चे की केयर नहीं करी आपने दांतों की या फिर उसके मसूड़ों की तो वो जन्मजात भी समस्या बन जाएगी उसके साथ जीवन भर के लिए जी बिल्कुल जैसे बच्चों के दूध के दांत होते हैं तो उस उनकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है उनको भी सफाई का एक्चुअली बच्चे का शुरुआत से ही एक ध्यान देना चाहिए कि भाई सफाई की कितनी महत्व है कितना महत्व है सफाई का वो चीज़ अगर आप आप खुद भी उनके सामने ब्रश करिए उनको बताइए आप पहले बच्चे का जब तक वो सक्षम नहीं है करने में तब तक आप उसका ब्रश करिए खुद से आप करवाइए अपनी गाइडेंस में करवाइए आप उसके सामने उसको फिर एक ब्रश पकड़ाइए खुद अपना ब्रश पकड़िए उस तरह से उसको हैबिट होगी तो वो जब वो हैबिट उसमें आ जाएगी तो वो हमेशा ज़िंदगी भर उस चीज़ को फॉलो करेगा तो अगर आप उसको क्लीनिंग की हैबिट डलवा देंगे तो बाकी देखना आप बच्चा तो अभी ढंग से नहीं कर पाएगा करना आप ही को पड़ेगा लेकिन यह है कि आप उसको एक तो ब्रशिंग का दूसरा ईटिंग हैबिट्स को आप बताएंगे कि भाई फ़्रेश फ्रूट खाना जो भी चीज़ है बच्चे को तो जो आप देंगे वो वही खाएगा ना हैबिट तो उसकी तब बनती है जब आपको आपको बोलते हैं कि आप ये खाता है बच्चा वैसा खाता है जब इनिशियली आप ही उसको कोई चिप्स दे रहे हैं और चाउमीन खिला रहे हैं उस तरह की चीज़ें दे रहे हैं तो ठीक है देना भी बिल्कुल अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी नहीं देना है वो तो आपको देना ही पड़ेगा लेकिन ये कि केयर आपको उस हिसाब से फिर केयर भी करनी पड़ेगी उतनी सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही कि केयर ज़रूरी भी है एक सवाल यहाँ पर ये यह भी है दांतों से जुड़ी हुई क्योंकि मसूड़ों का जिक्र सबसे ज़्यादा होता है और मसूड़े अगर देखें तो उसकी त्वचा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो उसका ख्याल कैसे रखें और सबसे ज़्यादा समस्याएँ भी मसूड़ों को लेकर भी सामने आई हैं तो इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं आप जी बिल्कुल ये जो है मसूड़ों की बीमारी को जैसे पेरोडोनटाइटिस भी बोला जाता है तो ये शुरुआत में ये होता है कि जैसे दांत में कोई गंदगी लगी रह गई वो साफ़ नहीं हुई तो मसूड़ा क्या होता है जैसे ये दांत है उसमें बाहर से मसूड़ा चिपका हुआ है तो वो जो मसू दांत के ऊपर जो गंदगी रह गई है वो एक इरिटेंट का काम करती है इरिटेंट माने वो उसको आ, मतलब उसके लिए नॉर्मल नहीं है वो चीज़ एक परेशान करने वाली चीज़ है मसूड़े के लिए तो उसमें क्या होता है कि एक तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है मसूड़े में तो वो जिंजिवाइटिस हो जाता है उसको जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं मतलब मसूड़े में सूजन आ जाना धीरे धीरे अगर उस चीज़ को नेग्लेक्ट करेंगे हम अगर वो गंदगी ऐसी ही रखी रह गई वो गंद परत के ऊपर परत चढ़ती जाती है उसके ऊपर जैसे मुंह में हमारा लार है लार में कैल्शियम फॉस्फेट ये सब चीज़ें होती हैं मिनरल्स होते हैं वो सारे एक प्लाक के ऊपर जमा होते रहते हैं तो वो एक तरह की प्लाक लेयर बनती है जिसके ऊपर परत दर परत जमता रहता है उसकी वजह से मसूड़ा जो है वो और उससे दूर भागता है बेसिकली वो मसूड़ा दांत की पकड़ को कमज़ोर करता रहता है फिर वो तो मसूड़ा दूर भागता है मसूड़ा दूर भागेगा तो और गैप बनेगा दांत और मसूड़े में और गंदगी जमा होगी तो हमको सबसे पहले क्या फोकस करना होता है उस गंदगी को हटाना है जब उस इरिटेंट को हम हटाएंगे तब वो मसूड़ा वापस भी आ जाए आ जाता है कुछ स्टेज तक लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आप कंटिन्यूस अगर आपने गंदगी पे कुछ ध्यान ही नहीं दिया सफाई नहीं करी तो फिर फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है फिर उसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है फिर तो, उसमें ये है कि आप जैसे खुद अगर ब्रश आप अपना नॉर्मली जैसे आप ब्रश करते हैं उसके बाद भी अगर आपको मसूड़ों में सूजन है या उस तरह की प्रॉब्लम्स है ब्लीडिंग हो रही है मसूड़ों से खून निकलता है ब्रश करते समय इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर आपको एक दंत चिकित्सक की उसमें शरण में जाना चाहिए दिखाना चाहिए इसी से जुड़ा हुआ क्या रूट कैनाल भी है जो प्रोसेस अब डॉक्टर अपना रहे हैं आधुनिक ज़माने में रूट कैनाल तो एक्चुअली रूट कैनाल है दांत को बचाने का तरीका जैसे क्या होता है कि हम लोग जब जैसे पेशेंट आता है कि भाई दांत में दर्द हो रहा है तो ज़्यादातर जब दांत में दर्द होता है तो वो कीड़ा लगने की वजह से जैसे अगर दांत में कभी छेद हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया जैसे मैंने बताया आपको कि दांत में सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पता ही तब चलता है जब उसको कोई प्रॉब्लम दर्द जैसा होने लगता है तो दर्द मतलब कि दांत की नसों में कीड़ा चला गया है नसों में कीड़ा जाना मैंने शुरुआत में क्या होता है जैसे मैंने बताया एसिड से दांत की लेयर गलती है तो जब तक वो तीन लेयर होती ले है दांत में सबसे ऊपर इनेमल होता है फिर आपका डेंटिन होता है फिर पल्प होता है तो जो इनेमल की लेयर ले आपकी जब तक हटती है ऊपर की सतह हटेगी तो आपको एक सेंसिटिविटी होती है आप बोलते हो मुझे ठंडा लगना शुरू होता है या मीठा लगता है किसी को जैसे आप मीठा खा रहे हो ठंडा खा रहे हो वो शुरू होता है धीरे धीरे वो ठंडा और मीठा लगना आपका गर्म लगने में कन्वर्ट हो जाता है या दर्द होने में स्पॉन्टेनियस पेन होने लग जाता है तो उस समय ये इरिवर्सिबल चीज़ हो जाती है जो कि आपकी इसका मतलब है कि ये आपका आ, इसमें रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको दांत को बचाना है तो तो फिर इसमें रूट कैनाल प्रोसीजर किया जाता है रूट कैनाल से आपका दांत बच जाता है बच जाता है जी पूरे प्रोसेस में देखें तो बहुत कोशिश करते हैं डेंटल की कैसे भी करके डेंटिस्ट की दांत बच सके और अगर इस पूरे डेंटल प्रोसेस को देखें हम तो ये सीधे तौर पर ये है कि अगर हम अपनी दिनचर्या को सीमित रखें और बहुत बेहतर ढंग से जियें कुल्हा करने की जो आदत है हम लोगों ने छोड़ दी ये बहुत सी छोटी छोटी बातें थी जिसके कारण दांतों की जो समस्याएँ हैं वो अब बहुत बड़ी हो गई जी उसमें यह है कि मैंने जैसे बोला हाइजीन मेंटेनेंस ईटिंग हैबिट्स आपकी आपके खान पान का तरीका क्या है आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं रात में सोने से पहले आप एक नियम बना लीजिए कि ब्रश ज़रूर करना है पर उम्र के साथ ही दिक्कत भी बढ़ रही है ऐसे में फिर अगर 40 प्लस में देखें तो लोगों को ज़्यादातर दांत की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और वो रूटीन लाइफ में कहते हैं कि हम ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह शाम उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें आ रही नहीं तो वहाँ पर मैं ये बोलूँगी नहीं एज का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं मानती मैं क्योंकि अगर आपने हाइजीन मेंटेन करी है तो 80% टू 90% चीज़ें आप अपने आप पे होती है आप पे होती है अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आप 40 तो क्या आप 80 साल तक भी आपके दांत को कुछ नहीं होगा वो विद एज क्या होता है कि बाकी औरल फेशियल चेंजेस आते हैं मतलब आपकी हड्डी थोड़ा गलनी शुरू होती है या कह लीजिए आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ हो गई है या कोई और आपकी सिस्टमिक डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका जो है और ओवरऑल बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से दांतों में थोड़ा सा चेंज हड्डी में चेंज आता है तो दांत और हड्डी के रिलेशन में वो बेसिकली चेंज आता है जिसकी वजह से खाना फंसना शुरू हो जाता है कभी कभी गैप आ जाता है दांतों में तो इसकी वजह से ये मान लिया जाता है कि भाई इसकी वजह से हो रहा है अदरवाइज़ अगर उसमें भी आप क्लीनिंग ढंग से करते हैं और फ्लॉसिंग करते हैं इंटरडेंटल ब्रशेज़ आते हैं जैसे कि दांतों के बीच में जैसे एक वो होता है ना कि दांत के बीच में तीली डाल के तो वो सब मैं ज़रूर जनता से बोलना चाहूँगी कि वो सब कभी ना करें जैसे कुछ लोग ऑल पिन डाल देते हैं उससे अपना दांत के बीच की गंदगी निकालते हैं या फिर तीली तो वो सब नहीं करना चाहिए उसमें आप नॉम आप डेंटल सर्जन के पास जाइए वो आपको बताएंगे किस तरह से साफ़ करना है उसके कुछ क्लीनिंग एड्स आते हैं जैसे आपका डेंटल फ्लॉस हो गया या फिर इंटरडेंटल ब्रशेज हो गए जो दांतों के बीच में एक जैसे ब्रश होता है उसी का बहुत ही एक माइन्यूट सा फॉर्म होता है तो उसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं और आप उसको कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ लाइक डिस्पोजेबल उसमें आते हैं वो आप उसको कैरी करें आराम से कहीं भी जाते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं टूथ तो, ब्रश का जिक्र हो रहा है तो कितने नियमित अंतराल में ये बदलना चाहिए और कैसे चुनाव भी करें इन सब चीज़ों का आ, वो एक्चुअली थोड़ा सा दांतों के ऊपर भी डिपेंड करता है पर अगर दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े नहीं हैं एक साधारण तौर से सही दांत है दंत पंक्ति एकदम ठीक है तो नॉर्मल कोई भी ब्रश सॉफ़्ट ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं उसमें तो कुछ जो जिग्जैक वाले ब्रशेज़ होते हैं वो इनके लिए जिसमें आपके ऊबड़ खाबड़ दांत हैं जैसे दिखने में थोड़े से क्राउडेड हैं आगे पीछे हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है उन ब्रशेज़ की तो आप एक नॉर्मल आप सिंपल सा एक सॉफ्ट टूथ ब्रश लीजिए आप उसको यूज़ करिए और बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं इतना ब्रश कर रहा हूँ और या कर रही हूँ और फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको डेंटल सर्जन की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए तो कितने नियमित अंतराल में टूथब्रश ब्रश को बदलें वो आप तीन महीने में लगभग बदल सकते हैं क्योंकि उनके जो ब्रिसल्स का टिप होता है वो बेसिकली फ्लैट हो जाता है तो तीन महीना एक नैलून का ब्रश जैसे होता है तो तीन महीने आप इस्तेमाल करिए फिर उसके बाद चाहे वो दिखने में अच्छा भी दिख रहा है तब भी आप उसको चेंज कर लीजिए और टूथपेस्ट चुनाव को कैसे करें क्योंकि उसको लेकर लोग ज़्यादा सजग नजर आते हैं और कहीं विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं तो इस पर आप प्रकाश डालें टूथपेस्ट के लिए तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा विज्ञा विज्ञापनों के ऊपर नहीं जाना चाहिए बिकॉज़ टूथपेस्ट का ऐसा ज़्यादा रोल बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम मेडिकेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर बताते हैं कि आप इसमें करिए वो भी लोग रूटीन में यूज़ करने लगे हैं आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि कभी कोई डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट का कोई एडवर्टीजमेंट आ गया या कुछ आ गया तो फिर लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा पेस्ट होगा और इससे तो हाँ बिल्कुल अगर आपको फ़ायदा हुआ उससे ठीक है आपने दो चार दिन यूज़ किया उसके बाद आप उसको रोक लीजिए फिर आप अपने नॉर्मल पेस्ट पर पे आ जाइए कोई भी पेस्ट जो एक मैं बोलूँगी जेल फॉर्म में हो जिससे कि आपके दांतों को रगड़ ना लगे ये चीज़ ध्यान रखना जैसे पहले टूथ पाउडर्स यूज़ होते थे अब पेस्ट में आ गए हम लोग पाउडर के बाद वो इसलिए आए हैं उसमें कंटेंट्स वही हैं सब लेकिन क्या है कि वो आपके सरफेस को जो दांत की सतह होती है ऊपर की उसमें रगड़ नहीं करते हैं जो टूथ आपके पेस्ट होते हैं तो जो भी आपको रीजनेबल कॉस्ट में मिलता है आप वो नॉर्मल पेस्ट यूज़ करिए और जेल पेस्ट कोई भी हो मतलब उसमें ये है कि रगड़ नहीं लगनी चाहिए एम वो होता है बा, बाकी एक टूथपेस्ट जो होता है एक मीडियम की तरह काम करता है सिंपल बस खाली मीडियम की तरह काम करता है फ्रेशनेस लाता है थोड़ी आपकी फ्रेश फील होता है आपको थोड़ी देर के लिए बाकी पायरिया एक बहुत बड़ी दिक्कत है फ्रेश फील आप बात कर रही थी और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है तो ये कैसी बीमारी है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं जी पायरा में क्या होता है कि मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं बेसिकली जैसे मैंने बताया कि दांत में कोई सतह लगी चिपकी उसके ऊपर गंदगी चिपकती गई आपने उस सतह की सफाई नहीं करी तो क्या होता है कि मसूड़े मसूड़ा उस सतह से दूर भागता है कोई भी इरीटेंट से दूर भागता है तो मसूड़ा जब वो दूर भागता है मैंने वो ढीला पड़ जाता है तो उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है तो उसी को वहाँ पे और गंदगी को इन्वाइट करता है वो कि मतलब वहाँ पे और जगह बन जाए और गंदगी हो तो वो मसूड़ा उस ढीला पड़ने की वजह से क्या होता है हड्डी गलने लगती है अंदर हड्डी गलने लगती है तो दांत हिलने लगता है तो आपका बिना कीड़ा लगे भी दांत कभी कभी इस केस में गिर सकता है तो ये बहुत है। आती है कई लोगों के मुख में और वो भी इससे जुड़ा हुआ बीमारी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप दुर्गंध आने का कारण भी वही है कि जब आपके मसूड़े में इन्फ्लेमेशन रहेगी मसूड़े में सूजन रहेगी तो उसकी वजह से भी दुर्गंध आती है एक तो लोकल कॉज ये हो जाता है दुर्गंध का कि मतलब दांत में अगर कोई गंदगी है उसकी वजह से वो मसूड़े सूजन है, मसूड़े में सूजन है तो गंदगी है, तो फिर स्मेल आ रही है बाकी और सिस्टमिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं दुर्गंध आने के या फिर आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है जैसे तो गले वाले डॉक्टर को दिखाएं कि उसमें गले में प्रॉब्लम हो रही है उस वजह से आती है कई लोग बहुत देर तक नाश्ता सुबह नहीं करते हैं खाली पेट बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से भी आ, स्मेल आती है या फिर किसी को कोई पेट की प्रॉब्लम होती है दांत में हमने चेक किया दांत में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी स्मेल आती है तो वो हो सकता है उसकी पेट की वजह से भी आ रही हो तो बहुत सारे रीजंस होते हैं लेकिन हम लोग पहले जी हम लोग पहले लोकल कॉज को रूल आउट करते हैं कि भाई पहले दांत की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अगर हमने कहा दांत की वजह से नहीं है तो फिर उसका भाई खान पान के बारे में पूछते हैं हम कि भाई आप ढंग से पानी पीते हैं आप खाने में किस तरह का ज़्यादा तालाब वैसा खाना खाते हैं या फिर आप सैलड खूब खाते हैं फ्रूट्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ कैसा है आपका हाइजीन मेन्टेन्स कैसा है इस सब पर डिपेंड करता है मुंह के कैंसर में दांतों का क्या रोल होता है इस बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को जी बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल है मुंह के कैंसर में क्या होता है दांतों दांतों की वजह से भी मुंह का कैंसर हो सकता है जैसे कि आपको शायद जानकारी हो कि दाढ़ होती है जी। जो तो अक्कल दाड़ का जब वो जनरली आजकल क्या हो रहा है कि जबड़ों जब का साइज साइज़ जैसे कि वो छोटा होता जा रहा है तो अक्कल दाड़ जो है अपनी जगह पे ना आकर के वो आगे पीछे कहीं भी वो भटक जाती है आते समय तो जब अक्कल दाढ़ आ रही होती है उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि गाल कटने लगता है तो मरीज़ बोलता है जी हमारे पीछे दर्द हो रहा है तो पता लगा देखा तो वो आपका कंटिन्यूस गाल कट रहा है तो जो लोग जल्दी टाइम्स आ जाते हैं उस चीज़ के लिए तो उसका हम बता देते हैं कि भाई ये आपका जो है दांत सही जगह पे नहीं है उसकी वजह से आपका गाल कट रहा है तो कंटिन्यूस क्रॉनिक इरिटेशन हो रही है उस जगह पे तो वो आपका एक कैंसर के लक्षणों में आ जाता है अगर आपको उसको शुरुआत में नहीं पकड़ा गया दूसरी चीज़ होती है कोई शार्प एज है टूथ का जो कि आपकी अंदर की तरफ भी जीभ की तरफ भी हो सकता है तो पर, अगर कभी जैसे कोई दांत का टुकड़ा शार्प हो गया है दांत का कोना शार्प हो गया है कीड़े लगने की वजह से या दांत ज़्यादा घिसने की वजह से उसकी वजह से भी दांत जीब में जैसे रगड़ लगी अगर तो वो भी कंटेन्यस अगर रगड़ लग रही है तो भी आप उसका रूप ले सकता है वो तीसरी चीज़ जैसे कभी कोई अब जैसे कभी कोई अल्सर है मुंह में मुंह में जैसे दांत मुंह में कुछ पड़ा हुआ है जो बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है या एक अलग तरीके का दिखने में है वो अल्सर तो उस वो सारी चीज़ें होती है एक संकेत होते हैं कि आप उनको पहचानिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग इसको अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ इसमें गड़बड़ हो रही है तो फिर वो बायोप्सी के लिए भेजा जाता है तो कई बार आप होता है कि आप पहले पता चल जाता है हाँ जो नियमित जाँच है उससे जुड़ा मेरा सवाल भी था इसी से कि नियमित जाँच कितने समय में कराई जाए दांतों की और अपने मुख के लिए कितने संजीदा होना चाहिए किसी व्यक्ति को दांतों की जांच तो आपको एक आम तौर पर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हर छः महीने में आपको ज़रूर कराना चाहिए छः महीने में आपको ज़रूर डेंटल सर्जन को विज़िट करना चाहिए और आपको एक ये आदत बनानी चाहिए कि भाई रोज़ जब आप ब्रश करते हैं आप अपना इतना समय दीजिए चार से पाँच मिनट का समय दीजिए कि आप अपने मुंह को एक बार शीशे के आगे खोलकर ज़रूर देखें कि दांतों में कोई गंदगी तो नहीं जमा हो रही है पहली चीज़ दूसरी चीज़ कहीं कुछ काला या कोई चीज़ अटक तो नहीं रहा है तीसरी चीज़ मुंह के जो अंदर मसूड़ा है या अंदर की तरफ से गाल है उसमें कोई रंग में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है कहीं कोई सफ़ेदी तो नहीं आ रही है कहीं कोई लाली तो नहीं आ रही है अलग सी लाली जो आपको दिखाई दे रही है कहीं कोई दाने की तरह तो नहीं कोई इरप्शंस कुछ मुंह के अंदर हो रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा एक इंसान को जागरूक होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए तो अगर आप खुद भी देखते रहेंगे तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी कि आप फिर टाइमली किसी चीज़ का ट्रीटमेंट के लिए आप आ जाएँ तो पता चल जाए जैसे वो प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं जैसे कि जो कैंसर होने से पहले वाले कुछ संकेत होते हैं जो मुंह के अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं कहीं पे सफ़ेदी आना या आपका जैसे ओरल कैंडिडाइट कैंडिडाइसिस होता है और आपका लाइगन प्लेनस होता है आपका कुछ एक इस तरह की चीज़ें होती हैं जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं बीड़ी सिगरेट शराब ये सब करते ये। हैं तो उसमें क्या होता है कि एक वो दूसरी बीमारी होती है मसल्स के अंदर जैसे सब्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है मुंह का खुलना कम हो जाता है तंबाकू सेवन जो लोग करते हैं उनमें अक्सर ये चीज़ होती है मुंह का खुलना कम हो जाता है उसमें तो ये सारे लक्षण जो होते हैं कहते हैं कि प्री कैंसरस लक्षण बोले जाते हैं इनको तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर आपको समय पर वो चीज़ पता चल गई तो आप उसको डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपको माताओं को यहाँ से इस मंच से क्या संदेश देना चाहेंगी कि शुरुआती लक्षण को अगर वो देखें और समझें तो सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाएं और सीधे तौर पर एक छोटी सी बात आपने कही थी स्वच्छता की उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक बार पुनः ये बात दोहरा दें माताओं के लिए तो स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि जैसे बच्चे की आदत आप इनिशियली शुरुआत के दिनों से डालेंगे वही वो, वो आगे जाके लाइफ में फॉलो करता है तो अगर आप उसको ब्रशिंग की हैबिट बचपन से करेंगे कि भाई उसको ब्रश करना जैसे ही मुंह में दांत दिखाई दिया उसके दांत की सफाई शुरू करनी है आपको चाहे आप शुरू में उसके कॉटन से साफ करें उसका दांत चाहे धीरे धीरे उसको ब्रश दे दीजिए आप और आप उसका दांत साफ़ करते रहिए एक नियम बना लीजिए कि ये करना है जब तक बच्चा सॉलिड फूड नहीं खाते तब तक तो आप उसको जूसेस दे सकते हैं और चीज़ें दे सकते हैं जब वो सॉलिड फूड खाना शुरू कर दे तो आपको उसको ऐसी चीज़ें देनी है जैसे जूस के बदले फ़्रेश फ्रूट्स देने हैं साबुत फल देने हैं जिससे उसका जौ का आपका साइज भी ठीक रहे डेवलपमेंट ठीक हो उसका फेशियल डेवलपमेंट अच्छा हो और उसको पूरे तत्व भी मिले क्योंकि जब तक वो दांतों से ढंग से चबाएगा नहीं उस चीज़ को तो भी उसको शरीर में पूरे तत्व नहीं मिलते उसके जिस चीज़ के लिए छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए और माताओं को समझना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहें और मुख में सफाई रखें यानी कि मुंह को साफ रखें कूल्हा जरूर करें सुबह शाम ब्रश जरूर करें छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं साथ ही साथ कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी मुंह से जुड़ी होती हैं तो उनसे बचने के लिए भी आपको डेंटिस्ट का सहारा लेना चाहिए और कम से कम साल में एक दफा तो जरूर समय निकालिए अपने डेंटिस्ट के पास जाने के लिए साथ ही साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको नियमित जो चीजें हैं वो कराते नजर आए साथ ही साथ उनके खान पान में सबसे ज्यादा विशेष रूप से ध्यान रखें फास्ट फूड को नजरअंदाज करें तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है और आपके दाँत सदा के लिए मजबूत रह सकते हैं अगर आपके सुझाव हो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तो आप डी डी हेलो डॉक्टर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर हमसे साझा कर सकते हैं और आपके दिए गए तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आपको आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत नमस्कार